हम लोग पिछले लेसन के अंदर पोस्टर डिजाइन कर रहे थे आ, एंटी स्मोकिंग के हवाले से और इस लेसन में हम लोगों ने उसी पोस्टर को वहीं से कंटिन्यू करना है जहाँ पे हमने उसको छोड़ा था तो चले चलते हैं कंटिन्यू करते हैं अपने पोस्टर डिजाइन को अच्छा जी अब सबसे पहले हम ये करेंगे कि हम जो लोगो है उसको लेके आएंगे और ये मेरे पास पी फॉर्म के अंदर जो है वो पड़ा हुआ है लोगो याद रखें जब भी आप कोई भी लोगो या कोई भी ऐसी वेक्टर फॉर्म की चीज़ इलस्ट्रेटर में अपनी लेआउट के अंदर इस्तेमाल करना चाहें तो आप कोशिश करें कि उसको पी फॉर्मेट में जो है वो लेके आए पी फॉर्मेट जो है वो मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि ये एक ट्रांसपेरेंट फॉर्मेट होता है और इसके अंदर बैकग्राउंड जो है वो नहीं होता और इसकी वजह से ही हमें आसानी होती है इसको जो है वो अरेंज करने में और कंपोज करने में अपने डिज़ाइन के अंदर अच्छा जी ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिनके लिए हम बेसिकली ये बना रहे हैं उनका हमने यहाँ पे ये लोगो जो है ये ला के रख दिया है इसको हम अपने बैकग्राउंड के साथ जो है वो अलाइन कर लेंगे ये हमने उसके अलाइनमेंट कर ली और अब हम क्या करेंगे जनाब अली यहाँ पे हम टाइप करेंगे टाइपोग्राफी स्टार्ट करेंगे जिस तरह से यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टॉप स्मोकिंग और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ यहाँ पे ये एक फॉन्ट जो है वो मैंने यहाँ पे ये ऑसवर्ड रेगुलर फॉन्ट जो है वो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ जो कि मुझे इस टॉपिक के लिए जो है वो काफ़ी मुनासिब और खूबसूरत लग रहा था अच्छा अब इसको मैं लेके आता हूँ फॉन्ट को रेड में ये जो मैंने स्टॉप स्मोकिंग लिखा है और इसके अलावा मैं क्या करने लगा लगाऊँ कि मैं यहीं पर इसकी एक ऑल्ट की मदद से कॉपी निकालूंगा उसको अरेंज में जाके सेंड बैकवर्ड यानी कि एक स्टेप पीछे करूँगा और उसको वाइट कलर दे दूँगा ठीक है जी तो ये आपने देखा हमारा जो स्टॉप स्मोकिंग है उसको एक हमने ड्रॉप शेडो जिस तरह से हम देते हैं उस तरह से हमने उसको डुप्लीकेट करके एक जो है वो खूबसूरत बना दिया अच्छा जी अब इसको हम जो हमारे पास ये दो लेयर्स हैं इनको हमने पहले शिफ्ट की मदद से सेलेक्ट करना है इसको मैं जूम करता हूँ पहले और इनको हम ग्रुप कर लेते हैं इसके बाद अब ये मैं इसको डिलीट करके देखता हूँ ये देखें ये मेरे पास ग्रुप हो चुका है अब मैं इसको अगेन हमारा जो बैकग्राउंड लेयर है उसके साथ मैं थोड़ा सा अलाइन करूँगा ताकि ये सेंट्रलाइज हो जाए अब मैं यहाँ पे एक और लाइन लिखना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ जी इट किल्स ये मैंने लिखा इट किल्स टाइप किया टाइप टूल की मदद से ठीक है जी इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा करता हूँ यहाँ पे एक फ़ॉन्ट मैंने जो है वो इस मुनासबत से ढूंढ के रखा हुआ है ये पी डब्ल्यू एफ लाइम एक फॉन्ट है ये बहुत ही मजे की चीज़ है खास तौर पर हमारे इस कॉन्सेप्ट के ऊपर ये बहुत ज्यादा स्ट्राइक कर रहा है अब ये देखें ये स्मोकिंग जो है इसके साथ मैं, इट इटकल्स जो है इसको जो है वो लगाऊंगा ये आप लोग अगर सर्च करेंगे तो आप लोगों को हैंगिंग फॉन्ड्स के नाम से अगर आप गूगल के ऊपर सर्च करेंगे तो ये आपको इस तरह के काफ़ी बेशुमार फांड्स जो हैं वो मिल जाएंगे और उनको आप इस तरह के किसी भी टॉपिक के लिए जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं ये मैं नो no स्मोकिंग जो लिखा हुआ है इसको मैं ले आता तो ब्रिंग टू फ्रंट ताकि ये इसके बैकग्राउंड में चला जाए और ये देखें जी ठीक है जी स्टॉप स्मोकिंग इट किल्स अच्छा जी अब हम क्या करते हैं जनाब अली हम यहाँ पे नीचे आते हैं और यहाँ पे एक रेक्टेंगल जो है अपने फुटर के अंदर थोड़ा सा हम अपना फुटर बना लेते हैं पोस्टर का एक रेक्टेंगल हम ड्रॉ करते हैं जो कि हमारे इस जो हमारी बैकग्राउंड है उसके साइज़ का होना चाहिए इसको मैं कलर दे देता हूँ जी ग्रे डार्क ग्रे कलर मैं इसको दे रहा हूँ और यहाँ पे मैं अब टाइप करूँगा वेबसाइट डब्ल्यू 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 डॉट डब्ल्यू एच ओ डॉट आई एन टी एल ठीक हो गया इसको मैं कलर दे दूंगा वाइट और एक काम जो मैं और यहाँ पे करूँगा एक तो मैं इसका साइज तो बड़ा करूँगा ही करूँगा लेकिन उसके साथ साथ मैं यहाँ पे जो हमारे पास करेक्टर पैनल है इसके अंदर जाके इसकी जो स्पेसिंग है ये मैं बढ़ा दूँगा ये मैं कर देता हूँ जी तकरीबन वन हंड्रेड और इसको यहाँ पे प्लेस करके देखता हूँ ये देखें इसको अब ये जो मैंने पहले शेप बनाई थी उसके साथ मैं कर लेता हूँ जनाबी अली लाइन अब हम यहाँ पे एक और काम बड़ा मज़े का करने लगे हैं मैं एक लिप्स टूल जो है वो ड्रॉ करता हूँ ठीक है एंटी स्मोकिंग का जो मैंने साइन बनाया था इसके ऊपर और इसका जो है वो मैं जो आउट है वो मैं दे देता हूँ ब्लैक और जो इसकी ये मैंने इसको ब्लैक कर दिया और इसकी जो फिल है उसको मैं कर देता हूँ नान अच्छा इसको मैं अब प्लेस करूँगा कंपोज करूँगा थोड़ा सा ये जो मेरा बना हुआ है ना नो स्मोकिंग का साइन इसके ऊपर सेंट्रलाइज करूँगा थोड़ा सा इसको और उसको मैं थोड़ा सा बड़ा भी कर देता हूँ अब हमें पता है कि हमारे पास यहाँ पे टाइप टूल में एक टूल है जी टाइप ऑन आ पाथ टूल इसकी मदद से मैं यहाँ पे आके क्लिक करूँगा और मैं यहाँ पे लिखूँगा थर्टी फर्स्ट मे वर्ल्ड नो टोबैको डे अच्छा अब मैंने यहाँ पे करेक्टर पैनल में जाके इसकी जो स्पेसिंग है वो बढ़ाई हुई थी तो वो मैं वापस कर देता हूँ ठीक है और इसके बाद हम क्या करते हैं कि यहाँ पे आके पॉइंट में वही इसके लिए कैलिब्री जो है वही यूज़ कर रहा हूँ इसको मैं थोड़ा सा छोटा भी कर रहा हूँ और इसके साथ ही मैं इसको थोड़ा सा इसकी जो पोजिशनिंग है वो इस जो मेरा डिज़ाइन एलिमेंट है उसके अकॉर्डिंगली कर रहा हूँ अच्छा जो थर्टी फर्स्ट मे वाला पोर्शन है इसको मैं कर दूंगा बोल्ड जो डेट है और ये जो वर्ल्ड नोट बैको डे है इसको मैं इसका जो साइज़ है वो थोड़ा सा मैं कर दूंगा छोटा इसको मैं लगा देता हूँ जी थर्टी का साइज़ मैं इसको दोबारा सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे आके मैं इधर क्लिक करूँगा और इधर मैं इसका साइज दूँगा थर्टी ये देखें ठीक है जी इसी तरह से अगर हम इसको मज़ीद जो है वो करना चाहें तो हम यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से आके इधर से हम इसका जो हमारे पास जो पाथ टूल के ऊपर ये जो हमारे पास एक ऑप्शन होती है इसकी मदद से भी हम इसको जो है वो ट्रीट कर सकते हैं ये देखें ठीक है जी यहाँ से आके भी हम इसको सेटल कर सकते हैं और अगर इस तरह से आपको मुश्किल लगता है तो इसमें कोई मसला नहीं है आप जस्ट इसको पकड़ें और सिलेक्शन टूल की मदद से आप इसको जो है वो प्लेस कर दें इसके ऊपर अच्छा इसको हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया अब एक और चीज़ यहाँ ये एक और पीएनजी मैंने रखी हुई है ये लंग्स की पीएनजी है जी इसको मैं करता हूँ जी एम्बेड एम्बेड करने के बाद इसका मैं कलर चेंज करूंगा एडिट में जाके एडिट कलर्स एडजस्ट कलर बैलेंस क्योंकि ये पीएनजी है इसलिए इसका कलर मुझे यहां से जाके चेंज करना पड़ेगा इसको मैं करता हूं ओके okay. इसको मैं थोड़ा छोटा करता हूं और यहां पे ला के जो है वो मैं इसको प्लेस करता हूं ठीक है जी अच्छा जी मैं इस सारे पोर्शन को ग्रुप करके ऊपर लेके जाना चाह रहा हूँ और उससे पहले मैं क्या करता हूँ कि ये जो मैंने क्लिप मास्क करके यहाँ पे स्मोक का एक इमेज रखा हुआ है इसको मैं साइड पे कर देता हूँ ताकि ये मेरे इमेज को डिस्टर्ब ना करे और अब मैं यहाँ से ज़ूम करके ये जो मेरे सारे एलिमेंट्स हैं इनको तमाम को मैं ग्रुप करूँगा और इनको मैं ऊपर की तरफ जो है वो ले जाऊँगा ये देखें अच्छा अब यहाँ पे हमारे पास ये जो टेक्स्ट है इसको हम थोड़ा सा मज़ीद इसको मैं एक स्पेस दे देता हूँ इसको थोड़ा सा मैं आगे ले जाता हूँ ताकि ये पूरा आ जाए हमारा जो डिजाइन एलिमेंट है उसके ऊपर यहाँ पे अब मैं एक और चीज़ टाइप करना चाह रहा हूँ जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक कैप्शन भी है और उनका एक टैगलाइन भी है इस कैंपेन के लिए सेव योर लंग्स ठीक है जी और इसको भी अगेन मैं बैकग्राउंड के साथ अलाइन करूँगा एंड दैट्स इट अब ये जो मैंने साइड पे किया था स्मोक इसको मैं यहाँ पे वापस ला के एडजस्ट कर सकता हूँ और इसको अगर मैं डबल क्लिक करूँ तो इसको बड़े आराम से मैं क्लिप मास्क के अंदर रहते हुए इसको मैं छोटा भी कर सकता हूँ और मैं इसको प्लेस भी कर सकता हूँ बाहर आके डबल क्लिक कर देंगे एंड दैट्स इट अच्छा जी अब ये हमारा जो पोस्टर है वो डिज़ाइन हो गया है हम इसको सेव करेंगे कंट्रोल शिफ्ट एस की मदद से और जहाँ पे भी हमने इसको सेव करना है फॉर एग्जांपल मैं इसको डेस्कटॉप पे अगर सेव करना चाहता हूँ यहाँ पे मैं जो है वो इसका टाइटल दूंगा अच्छा वैसे ये फाइल हमें पहले ही सेव करनी चाहिए और उसके अलावा मैं आपको एक्सपोर्ट की ऑप्शन भी जो है वो भी बताता चलूँ यहाँ से इस सारे को हम एक बार सिलेक्ट करते हैं फाइल में जाते हैं अगर आपने जेपी निकालनी है जे निकालनी है तो आप एक्सपोर्ट एज करें और यहाँ पे आके आपके पास ऑप्शन है जे इसके बाद आप यूज़ आर्ट बोर्ड्स पे लाजमी क्लिक कीजिएगा अदरवाइज अगर आप यूज आर्ट बोर्ड्स पर क्लिक नहीं करेंगे तो आर्ट बोर्ड से बाहर जो कुछ पड़ा होगा वो भी आपके जे पैग का हिस्सा बन जाएगा और इस तरह से आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं यहाँ से इसकी मैं क्वालिटी जो है वो बढ़ा देता हूँ और ओके करता हूँ तो ये अब मेरी डेस्कटॉप के ऊपर मेरे इस डिज़ाइन की जो एक जे पैग है वो एक्सपोर्ट हो गई है जी तो आप लोगों ने देखा हम लोगों ने पोस्टर जो है वो डिज़ाइन किया वर्ल्ड नोट टोबैको डे के हवाले से और इलस्ट्रेटर के अंदर हमने ये पोस्टर जो है वो डिज़ाइन किया और आप लोगों ने देखा कि कितना आसान काम है कितने मज़े से हम कितनी आसानी के साथ जो है वो पोस्टर डिज़ाइन कर सकते हैं किसी भी टॉपिक के ऊपर वही टूल्स हैं जो हम पहले लर्न कर चुके हैं जिनको हम पहले देख चुके हैं सिर्फ अब उनको हमने यूज़ करना है अपने लिहाज से अपने डिज़ाइंस के लिए और उनको इस्तेमाल करते हुए अच्छे से अच्छे डिज़ाइंस बनाने हैं आने वाले लेसन में मैं आप लोगों को बिल बोर्ड और होर्डिंग के हवाले से जो है वो कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा